जोली खेलने के लिए अच्छा है ना, लेकिन वो जगह छीन लेना मेरे हिसाब से इतनी आसान नहीं जैसे तुम सोचते हो। अरे रे 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 रे, बातों बातों में मस्का दिखा के पाकिस्तान वाले कश्मीर छीनने को सोचते हैं, तो फिर मेरे पॉलिटिशियन होने का क्या मतलब है? मैं देश का वासी होके अपने देश की जमीन छोड़ दूं क्या? सेम सेम पापी सेम, सेम सेम पापी सेम, इसका क्या मतलब है? ऐसे ही मैंने इंग्लिश में बोल दिया, तेरे को समझ में नहीं आया क्या? तुम्हें समझ में आया क्या? ए चलना, जाके अपना काम करना। क्या काम करूं? लोग मेरी बात से ज्यादा मास्टर की बात को सुनते हैं। कौन है रे वो? और कौन हो सकता है, तेरे धंधे का चीथड़े उड़ा देने वाला शंकर है ना, उसका बाप। बच गया, आज मुझे शादी के दिन जैसी खुशी हो रही है। हमारे स्कूल का सेंक्शन हो गया है, स्कूल स्टार्ट करने के लिए हमारा पुराना वाला जो घर है वही चल जाएगा, और ब्लैक बोर्ड और बेंच वगैरह थोड़े ले लिए जाएं बस। अजी उसके लिए पैसा कहाँ से आएगा? घर के जो कागजात है ना वही एमएलए ज्ञानेश्वर के पास रख देंगे तो काम हो जाएगा। सभी लोग कहते हैं कि वो अच्छा इंसान नहीं है। हमें उसके साथ रिश्ता थोड़ी करना है, कागजात रख के उधार लेना है, कर्जा लौटा देंगे कागजात वापस। हाँ लेकिन भगवान न करे हम कभी छुड़ा न पाए तो? माँ, जमीन दौलत पिताजी के सपने से ज्यादा थोड़ी है, जिसमें ताकत हो हिम्मत हो तो रास्ता आसान है। ठीक है तो मैं कल ही जाके पैसे के लिए बातचीत करके आता हूँ, कल से मुझे सब काम शुरू करना है। वो कैसे मालिक, मेरे घर में होने का कोई मतलब ही नहीं है, मेरे से किसी ने इजाजत ही नहीं। अरे नाले के पानी को बहाने के लिए डंडे की क्या जरूरत है? इस घर में मेरी कोई इज्जत ही नहीं है, इसलिए मुझे एक और क्वार्टर पीना पड़ेगा। मेरे दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई इधर गिरा कोई उधर गिरा, कोई इधर गिरा कोई। अच्छा हो या बुरा हो, इसे तो बस शराब पीने का बहाना चाहिए। अरे वाह, नमस्कार मास्टर साहब, यही है क्या जिसे आपने कहा था जो पुराना है? अच्छा बहुत अच्छा है, पेपर दे। आप यहाँ पे एक हस्ताक्षर कर दीजिए। इसमें तो कुछ लिखा ही नहीं। लिखना क्या है, जिसको भी पैसा देता हूँ कोरे कागज पर मैं अंगूठा लगवाता हूँ या साइन करवाता हूँ, बस तुम भी वही कर दो। क्या सोच रहे हो मास्टर, क्या सोच रहे हो? नहीं मैं साइन कर देता हूँ, किसी भी तरह से स्कूल चालू हो जाना चाहिए। अरे रे 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 रे, वाह मास्टर, जब मैं तुम्हें देखता हूँ तो अपने देश के लिए लड़ते हुए शहीद हो गए हमारे देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी, उनके जैसे लगते हो। वो राजीव गांधी नहीं तो फिर इंदिरा गांधी की तरह हो, महात्मा। अरे मास्टर कोई भी गांधी हो, हमें क्या करना है। ये लो चेक ले लो, देख लो अच्छे से। चलता हूँ। बहुत अच्छा, देख लिया ना। ए सिन्हा, यही तू जिसे कहता था ना, झूला झूलाने से पहले ही सो गया, सिर्फ साइन करना ही तो बाकी था। हमारे गांव में भी एक पेट्रोल पंप खुल गया है, फर्क क्या है जानते हो? वहाँ पैसे देकर भर के जाते हैं और यहाँ पैसा देकर खाली होके जाते हैं। चलेगा आओ आओ आओ, तुम लोगों के लिए खुशखबरी है कि गांव में एक महीने के अंदर स्कूल शुरू हो जाएगा, इसलिए तुम अपने बच्चों को स्कूल में भेजना। हम उसके लिए नहीं आए हैं। तो फिर आपने जो स्कूल बनाने के लिए सोचा उस पुराने घर में? पुराने घर में लड़कियां वहां धंधा करती है क्या? ए कौन है अंदर? स्कूल में पढ़ाना छोड़कर
कोठे पे चढ़ने आए हो क्या? कोठे पर चढ़ने नहीं आए, तुम्हें यहाँ से निकालने आए। शंकर सुनो, मैं अच्छी तरह तुम लोगों को समझा देता हूँ। तुम लोग अपना बोरिया बिस्तर बांध के यहाँ से जल्दी निकल जाओ। यहाँ इज्जतदार लोग रहते हैं। इज्जतदार लोग? अच्छा, इज्जतदार लोग इस तरह से बातें करते हैं क्या? तुझे औरत समझ के चुप बैठा हूँ, मेरा संयम ही तुझे बचा रहा है। शराफा से तुझे समझा रहा हूँ, सुनेगा तो ठीक है, नहीं तो तू क्या कर लेगा। हम दुकान खोल के बैठे हैं, यहाँ आने वाले ग्राहक को जो पसंद आएगा हम उसे देंगे। तुझे जरूरत है तो तू भी आ जा, नहीं तो हमारे धंधे में सिर घुसाने की कोशिश मत कर। दुकान लगाने से रोकने वाले तुम कौन होते हो? इस तरह से बदतमीजी से बात करे, इनके जैसे मास्टर ने इसलिए आ ही नहीं सिखाया था तुझे। अगर मास्टर के बारे में कोई और बात की तो जिस वेश्या की साड़ी के पीछे घूम रहा है उसी साड़ी को गले में बांध कर लटका दूंगा तुझे। तुमने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? क्या लड़कियां तुम्हारे घर से बुला के लाया था? ए, लड़की लेके आना तो दूर, आंख उठा के भी देखा तो आंखें फोड़ दूंगा, समझे तुम? बड़े पापा, वो लोग इज्जत से खाली करेंगे तो ठीक है, नहीं तो इनका क्या करना? कुछ करने की जरूरत नहीं, शंकर को आने तो तब करेंगे। ऐसे क्या? बड़े पापा, लक्ष्मी, लक्ष्मी, कितनी बार बोला तुम्हें घर के सामने कचरा नहीं रहना चाहिए, देखो गांव का पूरा कचरा घर के सामने आ गया है। गुस्सा मत कीजिए मास्टर जी, सब लोग तो हमें गोबर में रहने वाले कीचड़ कहा करते हैं, लेकिन उसी गोबर से अच्छा फसल भी उगा करता है, ये भूल गए क्या? मैं तुम सब लोगों का खर्चा पानी उठा सकूं, मैं इतना बड़ा दौलतमंद नहीं हूं। मैंने ऐसा कुछ तो कहा नहीं, कल आपके जाने के बाद मैं काफी देर तक सोचती रही, हमारे पास ऐसी नौकरी भी नहीं कि मेहनत करके दो पैसा कमाकर अपना पेट पाल सके, इसलिए गलत लोगों का सहारा लेकर मुझे ये गलत काम करना पड़ता है। अब अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए मुझे आपकी मदद चाहिए। तुम लोगों को हाथ पकड़ के ये शिक्षा दे सकूं, इतना बड़ा आदमी नहीं हूं मैं, और ना ही इतनी ताकत है मेरे पास। बेशक नहीं है, लेकिन आप विद्या दान तो दे सकते हैं। बेशक जो कुछ मेरे अंदर है वो सब कुछ तुम्हें सिखा के सरस्वती को बदनाम नहीं कर सकता मैं, ऐसे पाप का काम मैं नहीं कर सकता। देखिए मास्टर जी, हम ये सब गलत काम छोड़कर पढ़ाई लिखाई सीखकर समाज में इज्जत से जीना चाहते हैं, इसीलिए आपके पास आए हैं। गलती करने पर डांटने और समझाने वाले इंसान हैं आप में यही तो इंसानियत है मास्टर जी, हमें एक मौका तो दीजिए, नहीं तो हम जहाँ पर हैं वहीं पर रहेंगे और त्रिशंकु की तरह लटकते रहेंगे। मान जाइए ना, अकल बांटने से किसी का कुछ थोड़े ही ना कम हो जाएगा, ये लोग आपके शरण में आए हैं, मान लेना ही बड़प्पन है, यह फैसला भी तो आपका है और आपकी इच्छा भी पूरी हो जाएगी। ठीक है, शाम को हमारे यहाँ के सिखाना शुरू कीजिए, वहाँ का माहौल आपके मुताबिक रहेगा। बहुत खुशी हुई। नमस्ते मास्टर जी, आप पढ़ाइए। क्या मैं अभी पढ़ाना शुरू करूं? जी। पीजे मास्टर जी, सब लोग पी लीजिए ना। अच्छा ठीक है, आप लोग लिखिए। मास्टर जी के आने के बाद तुम्हारा धंधा एकदम मंदा हो गया होगा ना? ए जा रहे तू,
पढ़ाते तो वेद है, खाते जहरीले फल हैं। मास्टर अकल की बात करता है, खुद जाकर कोठे पर वेश्या के